हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईटीएस डिस्कशन सीरीज। ये क्वेश्चन PT1 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 53 है शुड जी एआईटीएस का। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। लेट fx बी अ थ्री टाइम्स डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइंड ऑन R सच दैट fx हैज एटलीस्ट फाइव डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि fx का मिनिमम 5 डिफरेंट रियल रूट है ना। तो देन मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस या डिस्टिंक्ट रूट्स कितना होगा ये बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम बताता हूँ। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स का क्वेश्चन दे रखा है कि मिनिमम 5 रूट है। तो एफ एक्स की ग्राफ रफली कुछ ऐसी रही होगी, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ रहा होगा। इसको मैं x1 x2 x3 x4 x5 बोल दूँ, ठीक है। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग x1 से x2 के इंटरवल में। तो रोलेज की कंडीशन क्या है कि फंक्शन x1 से x2 में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल हो एंड x1 x2 पर वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। वो तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि एफ डेस एक्स 0 होगा फॉर सम x बिलोंगिंग टू x1 टू x2। x1 x2 के बीच में कहीं तो एफ एस एक्स 0 होगा, एटलीस्ट एक बार तो जरूर होगा। सिमिलरली अगर मैं x2 से x3 के इंटरवल में भी आरएमबीटी लगाता हूं तो डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार 0 होगा। x3 से x4 के इंटरवल में भी डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार 0 होगा एंड x4 से x5 के इंटरवल में भी डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एफ एक्स का मिनिमम 5 रूट है तो एफ डेस एक्स का मिनिमम कितना रूट हो जाएगा। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 का मिनिमम 4 रूट्स होगा, रियल एंड डिफरेंट रूट, ठीक है। सिमिलरली एफ डेस पर हम आरएमबीटी लगाएंगे। एफ डेस का ग्राफ मान लो ऐसा, ठीक है, ये मान लेते हैं α1, ये रूट जो आया था इसको α1 बोल देते हैं। मिनिमम पे काम कर रहे हैं हम, मान लेते हैं कि मिनिमम 4 रूट्स है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, α3 α4, ठीक है। तो अगर मैं एफ डेस एक्स पे आरएमबीटी अप्लाई करता हूँ इन द इंटरवल α1 to α2, इस बीच में भी डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ही, यानी कि एफ डबल डैश β1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इफ आई अप्लाई आरएमबीटी ओवर द इंटरवल α2 to α3, तो इसके बीच में भी डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार 0 होगा ही, एफ डैश β2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एफ डैश β3 इक्वल्स टू 0 व्हेन वी अप्लाई आरएमबीटी ओवर α3 to α4। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का मिनिमम कितना रूट है, मिनिमम 2 रूट है, मिनिमम 2 रूट, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट हो जाएगा, मिनिमम सॉरी एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का 3 रूट था ना, हाँ, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का मिनिमम 2 रूट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें आरएमबीटी पता होनी चाहिए एंड दूसरी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो हमें जरूर पता होना चाहिए कि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 का रूट मिनिमम रूट अगर 4 रूट है तो अगर मैं एफ डेस में किसी ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं जिसका कोई रियल रूट नहीं है तो ओवरऑल रूट भी मिनिमम 4 ही होएगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि मान लो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, इसके मान लो 4 रूट्स हैं, इसमें मैंने सपोज x2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मान लो सिचुएशन ये है हमारे सामने। तो इस केस में भी ये जो रिलेशन आया है LHS में, इसके तब भी 4 रूट ही होंगे क्योंकि x2 + 1 का तो कोई रियल रूट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 का अगर 4 रूट है तो एफ डेस एक्स में अगर मैं किसी ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कोई रियल रूट नहीं, जिसका कोई रियल रूट नहीं है, तो फिर ओवरऑल उस एक्सप्रेशन के मिनिमम 4 रूट ही होंगे, ठीक है। चलो और तीसरा फैक्ट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, चलिए वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका मिनिमम कितना रूट है हमें ये बताना है, और हमें पता क्या है कि fx = 0 का मिनिमम 4 रूट है, मिनिमम 4 रूट। देखो हमें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता चल जाए बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है और इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसकी जो अप्रोच है सॉल्विंग अप्रोच वो हमारे जेई के सिलेबस में भी नहीं,
लेकिन हमें इतना पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर समथिंग के फॉर्म में होता है, लाइक ई पावर के एक्स हो सकता है, या फिर ई पावर के एक्स स्क्वायर हो सकता है, या ई पावर के एक्स क्यूब हो सकती है, कुछ ऐसे फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं ना, एफ एक्स में ई पावर एफ एक्स में मैं ई पावर के एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, और इसको मैंने एक नया फंक्शन बोल दिया जी एक्स। देखो अगर एफ एक्स का चार रूट है तो जी एक्स का मिनिमम कितना रूट होगा, चार रूट ही होगा। सिमिलरली अगर मैं जी डेस एक्स की बात करूं तो इसके भी मिनिमम कितने रूट होंगे, तीन रूट होंगे। जी डबल डेस एक्स का मिनिमम कितना रूट होगा, दो रूट होगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स का चार रूट है तो ई पावर के एक्स से मल्टीप्लाई कर देने पर जो नया फंक्शन बना उसके भी मिनिमम फोर रूट ही होने हैं। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब ई पावर के k की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, वो तो मुझे सेट करना पड़ेगा ना, कि अगर मैं gx को तीन बार डिफरेंशिएट कर दूं और इससे कंपेयर कर दूं, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, तो मुझे k की वैल्यू मिल सकती है और उससे पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली वो gx क्या लेना चाहिए जिसका ट्रिपल डेरिवेटिव ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन है बट करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जी एक्स मेरे सामने ये है, अगर मैं जी डेस एक्स करूं तो क्या आएगा, ई पावर के एक्स इंटू के इंटू एफ एक्स प्लस ई पावर के एक्स इंटू एफ डेस एक्स, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगी, के इंटू ई पावर के एक्स इंटू के इंटू एफ एक्स प्लस ई पावर के एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस के इंटू ई पावर के एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ई पावर के एक्स इंटू एफ डबल डैश। फिर अब ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, हाँ तो ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास है, ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है e पावर के एक्स इंटू के क्यूब एफ एक्स प्लस थ्री के स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस थ्री के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस थ्री के एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये आ गया। बीच की एक लाइन मैंने यूज नहीं करी, डायरेक्ट जो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा वो मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब देखो हमारा सवाल क्या था, हमारा इक्वेशन क्या दे रखा था, इनिशियली इक्वेशन ये था एफ एक्स प्लस सिक्स एफ डैश एक्स प्लस ट्वेल्व एफ डबल डैश एक्स प्लस 8f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 0। इसको और इसको कंपेयर करो और बताओ कि k की वैल्यू क्या लेनी चाहिए कि मुझे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऑब्जर्व करो f ट्रिपल डैश से इसमें 8 से मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज पॉसिबल इफ आई टेक k इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अगर k 1/2 लू मैं तो यहाँ इसका कोफिशियंट 8 हो जाएगा, बट सेम टाइम सारे कोफिशियंट भी सेट होने चाहिए, इनका कोफिशियंट इनका कोफिशियंट सबका कोफिशियंट सेम होना चाहिए, तभी हमारा पर्पस फुलफिल होगा। ठीक है, तो अगर मैं के का वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ तो ये जी ट्रिपल डैश एक्स क्या आ रहा है, ई पावर एक्स बाय टू, नीचे 8 आ जाएगा और ये क्या हो गया एलसीएम लेकर एफ एक्स प्लस सिक्स एफ डैश एक्स प्लस ट्वेल्व एफ डबल डैश एक्स प्लस 8 ट्रिपल डैश एक्स, ये आ गया मेरा जी ट्रिपल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझसे यही पूछा गया था कि इसके मिनिमम कितने रूट्स होंगे। बच्चों ये तो पॉजिटिव फंक्शन है, बाहर जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा सवाल है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जी ट्रिपल डैश एक्स। और पिछले स्लाइड में मैंने बताया था
जी एक्स का मिनिमम 5 रूट है तो जी डैश एक्स का मिनिमम 4 रूट होगा, जी डबल डैश एक्स का मिनिमम 2 रूट होगा 3 रूट होगा, और जी ट्रिपल डैश एक्स का मिनिमम कितने रूट होगा, तो जी ट्रिपल डैश एक्स का मिनिमम मिनिमम 2 रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बजाय रूट, हाँ जो भी है सॉल्यूशन को 2 रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो लाइक शेयर तो बिल्कुल कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट से भर दीजिए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो वो भी मुझे बताइए, कोई और प्रॉब्लम जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो भी मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे लाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब तक आपका जो एडवांस ना हो जाए, उसके बाद भी बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो और बताओ कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है, और उसी के बेसिस पे हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये एक पेड कोर्स होगी, बहुत मिनिमम फी होगी, क्योंकि जो मिलेगा आपको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अनमोल सी चीज़ होगी वो, ठीक है। ऑसम लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप, और छोटी छोटी एरर जो हम जेई एडवांस में करके आते हैं वो मैं आपको पहले ही करवा दूंगा, मतलब सिखा दूंगा वो मिस्टेक्स करवा करवा के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।